वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम एक रेसिपी लाए हैं सैंडविच की, जो फुल ऑफ प्रोटीन है। और मैं ना ऑयल यूज कर रही हूँ, जीरो ऑयल है, ना बटर यूज कर रही हूँ, ना घी यूज कर रही हूँ। तो ये अगर आप डाइट ले रहे हैं उसमें भी आप ये प्रोटीन रिच सैंडविच बना सकते हैं, हेल्दी सैंडविच है ये। देखिए, सबसे पहले मैंने वेइंग मशीन ली है। अगर आप इसमें मेजर करके लेना चाहते हैं, हमने इसको जीरो कर लिया है, देखिए। और इसमें मैं ये सोया चंक्स डाल रही हूँ, और मैंने ये 25 ग्राम लिए हैं। आप देखिए, 25 ग्राम हमने ये ले लिया है। अब हम इसको करेंगे बॉईल। और ये हमने ली है ब्राउन ब्रेड। आप आटा ब्रेड, कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। हेल्दी बना रहे हैं इसलिए हम ब्राउन ब्रेड यूज कर रहे हैं। ये इसके स्लाइस हैं। ये हम अमूल के चीज स्लाइस यूज करेंगे। चिली फ्लेक्स, एक हरी मिर्च को हमने बीज निकाल के काट लिया है। आप स्पाइसी खाते हैं तो आप सीड के साथ यूज कर सकते हैं। नमक है स्वाद के अनुसार, चाट मसाला है, बस इसके अलावा हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। थोड़ा आप चिली फ्लेक्स के साथ रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पैन में हमने पानी को बॉईल करना शुरू कर दिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। यहाँ मैं हल्दी यूज कर रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसमें ये चंक्स डाल देंगे। इनको बॉईल करेंगे। ये देखिए, हम इनको बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे और जब तक ये पूरे फूल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। आप देख रहे हैं ना, फूल गए हैं। तो 3 से 4 मिनट हमें इसको बॉईल करना है अच्छे सॉफ्ट होने तक। अब ये देखिए, काफी फूल गए हैं, आप देख सकते हैं। हमने गैस को धीमा कर दिया था, देखिए कितना बड़ा बड़ा ये पीस हो गया है। तो गैस को धीमा कर दिया और इसको उबलने दीजिए अच्छे से। और आप इसको चलाते रहेंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ से वो फूल गए हैं और एक तरफ से हार्ड रह गए हैं। तो आप चलाते रहिए इसको लगातार बीच बीच में। और अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे। ये हमने इसको स्ट्रेन कर लिया है और इसको ठंडा होने देंगे। देखिए, ये प्रोसीजर है इसको बनाने का। तो अब हम इसको ठंडा होने की इंतजार करते हैं। ये देखिए, ठंडा हो गया है और ये इतना सॉफ्ट है, बहुत आराम से। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट हो गए। ये देखिए, अच्छे से मैश हो रहे हैं। तो अब हम इनको स्क्वीज करेंगे, इसे निचोड़ लेंगे सारा। इनका जो पानी है वो बहुत अच्छे से निकाल देंगे, दोनों हथेली के बीच में दबा के ऐसे निकाल के हम सारा स्क्वीज कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। ये देखिए, ऐसे ही हम ये सारे निचोड़ लेंगे अच्छे से पानी में से। अब हम इनको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। आप चाहें तो काट लें, नहीं तो पूरा भी रख सकते हैं। ये मैं बिगनर्स के लिए, जैसे बॉयज़ हैं वो कुछ बनाना चाहें ऐसे प्रोटीन रिच, तो उनको कुछ भी फ्राई नहीं करना है। अगर टोस्टर है तो वो डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। तो इस टाइप से हम इसके पीसेस कर लेंगे। तो ये पीसेस हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि चीज स्लाइस में भी नमक है, तो आप देख कर डालिएगा। थोड़ा चाट मसाला, चाट मसाले में भी नमक होता है। और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और ये मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, और इसमें कटी हुई डालेंगे हरी मिर्च। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अब देखिए, हमने ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं, इसको हम उठा के इधर रख देंगे। इसके ऊपर लगाएंगे हम चीज स्लाइस। ये चीज स्लाइस हमने रख दिया है और इसके ऊपर हम रखेंगे ये फिलिंग। देखिए, हमने घी, ऑयल कुछ भी यूज नहीं किया। मैं बार बार आपको कह रही हूं, अगर आप डाइट पर हैं और प्रोटीन रिच कुछ खाना चाहते हैं तो इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। इस टाइप से हम इसको अब पैक कर देंगे। और इसी तरह से हम एक और सैंडविच बना लेंगे। और इस सैंडविच में मैं एक चीज स्लाइस ऊपर से भी लगा रही हूं,
और इसको ब्रेड से करते हैं कवर। हमारा ये टोस्टर जो है वो गर्म हो चुका है, इसको हम ओपन करेंगे। आपके सामने हमने कोई बटर कोई घी नहीं लगाया है, और ये डबल चीज़ का स्लाइस वाला हम टोस्ट रख रहे हैं, ब्रेड रख रहे हैं, और ये सिंगल चीज़ का है। और इसको करते हैं बंद। देखिए हमने इसको यहाँ से लॉक कर दिया है, इधर इसका लॉक है, बंद कर दिया है, लाइट जल रही है, हम इंतज़ार करते हैं। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले भी जब टोस्टर का मैंने आपको वीडियो डाली है टोस्टर की, तो दे चुकी हूँ, फिर से मैं इसका लिंक आपको डाल दूंगी। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं, जिसमें डबल चीज़ था उसमें थोड़ा सा चीज़ निकला है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इनको बाहर निकाल लेंगे। और ये बहुत अच्छे बनते हैं, ऐसे ही इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी चीज नहीं लगा है, और ये इसके साथ साथ है, देख रहे हैं ना आप। ये देखिए अब हम इसको कट करते हैं, आप आवाज सुन रहे हैं ना क्रिस्पी। ये देखिए कितना बढ़िया ये सैंडविच बनकर तैयार है। अब हम दूसरा कट कर लेते हैं, और ये देखिए बिना बटर के भी अच्छा ये क्रिस्पी सिका है, आवाज सुन रहे हैं, बिना बटर घी के। और आप बटर घी लगाएंगे तो और अच्छी डार्क लाइन आ जाएंगी। ये देखिए ये फुल ऑफ चीज है, फुल ऑफ सोया है, और बहुत हेल्दी, बहुत अच्छा है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज। तो है ना ये हमारे यमी से सैंडविच, करेंगे ट्राई?